दोस्तों, आज हम जिनके बारे में बात करने जा रहे हैं वो हैं पंजाब की कैटरीना कैफ। जिस तरह बॉलीवुड में कैटरीना कैफ का जलवा है, ठीक उसी तरह पंजाब की भी अदाकार हैं जिनका नाम है शहनाज़ कौर गिल उर्फ सना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और बहुत खुश होंगे। दिलचस्प किस्से और कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शहनाज, जिन्होंने पंजाब में ही नहीं पूरे बॉलीवुड में अपनी एक नई पहचान बनाई है, इनके बिंदास अंदाज की तो दुनिया दीवानी है। शहनाज का ड्रीम बॉलीवुड ही नहीं बल्कि हॉलीवुड है। बहुत सारे फिल्मी सितारे हॉलीवुड को अपनी ड्रीम सिटी मानते हैं। 27 जनवरी 1993 में पंजाब में एक परी का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया शहनाज कौर। इन्हें प्यार से सब सना बुलाते हैं। बहुत ही नाजो से पली बड़ी शहनाज बचपन से ही चुलबुली और मस्तीखोर हैं। इन्होंने अपनी स्कूलिंग डलहौजी के डलहौजी हिलटॉप स्कूल से की है। इनका इंटरेस्ट बचपन से ही डांस और एक्टिंग में था। अक्सर आईने के सामने खड़े होकर डांस भी किया करती थी। इनके इसी शौक ने आज इनको इतनी बड़ी एक्ट्रेस बना दिया। शहनाज ने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री ली है और बीकॉम के बाद ही उन्होंने अपना फोकस एक्टिंग और मॉडलिंग की ओर कर लिया। शहनाज का सफ़र भी हर स्ट्रगलर की तरह मुश्किल भरा था। मॉडलिंग और एक्टिंग को अपनी दुनिया मान चुकी शहनाज को उनके पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं मिला। वे मॉडलिंग के सख्त खिलाफ थे। सना के जीवन में एक दिन वो मोड़ आया जब सना को यह फैसला करना था कि उन्हें अपने ड्रीम को चुनना है या फिर अपने घर को। तब सना ने बहुत ही नाजुक फैसला लेते हुए अपने घर को छोड़ दिया और अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक नए रास्ते, नए विकल्प को चुना। शहनाज की लुक की बात करें तो शहनाज की आईज का कलर डार्क ब्राउन है और दिखने में बहुत ही क्यूट है। इनके एक्सप्रेशन की तो बात ही अलग है। शहनाज के करियर की शुरुआत 2015 में हुई। एक स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान एक डायरेक्टर ने उन्हें देखा और उनकी पर्सनालिटी को देखकर बहुत इम्प्रेस हुए और इस तरह शहनाज को वर्किंग ट्रैक मिल गया। सबसे पहली म्यूजिक एल्बम शिव द किताब में उन्होंने काफ़ी सुर्खियां बटोरी और उसके बाद वहम, रेंज, ये बेबी, यारी ऐसी बहुत सी एल्बम में उन्होंने अपनी अदाएं दिखाई जिसे दर्शकों ने खूब सारा प्यार दिया। 2019 का साल इनके लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा और वो था शहनाज का बिग बॉस में एंट्री लेना। हालांकि शहनाज बिग बॉस 2019 में सेकंड रनर अप रही, लेकिन इनकी चुलबुली बातें और नटखट सी मस्ती ने दर्शकों को और भी ज़्यादा दीवाना बना दिया। इसी सीजन में इनकी मुलाकात सिद्धार्थ शुक्ला से भी हुई और लोगों ने इस जोड़ी को खूब प्यार दिया। इसके बाद सभी इन्हें शहनाज के नाम से जानने लगे। सिद्धार्थ, जो कि आज हमारे बीच नहीं हैं, उनकी पर्सनालिटी, उनकी एक्टिंग आज भी हमारे दिलो दिमाग के एक कोने में रहती है। अगर हमारी तरह आप भी सिद्धार्थ के फैन हैं तो हमें कमेंट करके उनके प्रति प्यार को ज़रूर दिखाइएगा। शहनाज वैसे तो हेल्दी थी, लेकिन बिग बॉस के बाद उन्होंने काफ़ी वेट लॉस कर लिया और चुलबुली सी टेडी बियर सी शहनाज जीरो फिगर में कन्वर्ट हो गई। शहनाज बताती हैं कि उनके वेट लॉस की जर्नी में सबसे बड़ा फैक्टर है उनका डाइट प्लान। शहनाज जानती थी कि
कि इस इंडस्ट्री में अगर काम चाहिए तो ज़ीरो फिगर का होना बहुत ज़रूरी है। एक्टिंग के साथ साथ शहनाज की वॉइस के भी लाखों दीवाने हैं और वो सॉन्ग्स की कुछ लाइंस गाकर अपने दर्शकों को अपनी मधुर आवाज़ सुनाती रहती हैं। हाल ही में शहनाज को फिल्मफेयर मिडल ईस्ट एक्ट्रेस अवार्ड से नवाजा गया। शहनाज ने यह अवार्ड सिद्धार्थ शुक्ला को डेडिकेट कर शुक्रिया किया। उन्होंने फिर से अपना फेमस डायलॉग कहा, तू मेरा है और तू मेरा ही रहेगा, ठीक है? थैंक्स फॉर कमिंग इन माई लाइफ सेट्स, ये अवार्ड तुम्हारे लिए। शहनाज की इस स्पीच को दर्शकों ने खूब सारा प्यार दिया। दोस्तों, अगर आप भी शहनाज की स्टोरी को प्यार करते हैं तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा। आशा करती हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।